बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा होगा देशी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है जिसने ये शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया है कि इतने चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा, और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन।